अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए समर में किस तरीके से आप फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं ऑयली और ड्राई स्किन वाले, ये सारी टिप्स आपसे शेयर करूंगी। और कौन सी स्किन केयर हमें फॉलो करनी चाहिए ऑयली और ड्राई स्किन वालों को, और कौन कौन से स्टेप हमें लिक्विड फाउंडेशन लगाने से पहले अप्लाई करने चाहिए जिससे कि हमारी बेस लॉन्ग लास्टिंग रहे और फुल कवरेज दिखे और बिल्कुल भी क्रीज ना हो, तो ये सब स्टेप्स मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। और मैं आपके साथ ये बहुत अच्छी फाउंडेशन का रिव्यू भी शेयर कर रही हूं जो कि समर के लिए बहुत बेस्ट है। ये है स्वीट टच लंदन की यूथफुल स्किन फाउंडेशन, और इसमें एसपीएफ 20 मौजूद है और लॉन्ग वियर ब्राइट सैटन फिनिश आपको देती है। ये मैट भी है लेकिन सेमी मैट है, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, और समर में हमें हाइड्रेटिंग फाउंडेशन जिसमें एसपीएफ मौजूद हो यूज करनी चाहिए। और इसके बैक पे इसकी क्वालिटीज लिखी है कि फिंगर से भी बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाएगी, और ब्यूटी ब्लेंडर से भी और ब्रश से भी, और 18 मंथ तक आप इसको ओपन करने के बाद यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें इसकी जो प्राइस है वो है 1800, यानी 1800 रुपए में मैंने इसको बाय किया था। और ये जो है बहुत अच्छी फाउंडेशन है, हाइड्रेटिंग सी है और ऑल स्किन के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी शीशे की बॉटल है, बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग है, और इसके जो है ये यंग स्किन के लिए खासतौर पे बहुत अच्छी है। तो अगर आपको एक ऐसी फाउंडेशन चाहिए जो बहुत अच्छी दिखे आपके फेस पे, पार्टी फंक्शन के लिए भी आप यूज कर सकें, तो आप ये ले सकती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे सस्ती भी फाउंडेशन आपसे शेयर कर दूंगी जो कि 1000 के रेंज में होगी। तो ये मैं आपको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत रनी है ना बहुत लिक्विडी, और ये जो है फौरन फिंगर से ब्लेंड हो जाती है, मीडियम टू फुल कवरेज है, और इससे आपके सारे फ्लॉज भी हाइड हो जाएंगे और आपको इसके नीचे कोई भी कलर करेक्टर भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इसकी डबल कोटिंग कर लेंगे। और बहुत अच्छी इसकी लुक आती है, तो आप इसको बाय कर सकती हैं अगर आपको समर के लिए एक बहुत अच्छी फाउंडेशन चाहिए। और 05 इसमें मेरा शेड है, इसमें मुख्तलिफ शेड अवेलेबल है, तो आप कोई भी इसमें शेड ले सकती हैं। और बहुत अच्छी ये फाउंडेशन है स्वीट टच की। तो मैं आपको आज इसी फाउंडेशन से मैट फाउंडेशन को किस तरह समर में अप्लाई करना है ये टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने स्किन केयर जरूर करनी है ताकि आपकी जो पार्टी बेस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये डर्माकोस का क्लिंजर है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छा क्लिंजर है, या कोई भी क्लिंजर आप अपनी स्किन के मुताबिक जो है वो जरूर यूज करें। फेस को क्लीन होना चाहिए और कोई भी डर्ट फेस पे नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट आपने क्लिंजिंग करनी है, या फिर ये रिवाज यूके का क्लिंजिंग मिल्क है, आप इससे भी क्लिंजिंग कर सकती हैं, ये भी ऑल स्किन के लिए बेस्ट है। तो क्लिंजिंग बहुत जरूरी है मेकअप अप्लाई करने से पहले, बेस बनाने से पहले। और दूसरा स्टेप जो है वो होता है टोनर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो समर में आपने टोनर जरूर अप्लाई करना है। ये मेरे पास सॉफ्ट टच का टोनर है, और ये जो है ये हमारे ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, और इसमें टी ट्री ऑयल है, तो दोनों वाली स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आपने इसके 2-3 कतरे फेस पे अप्लाई कर लेने हैं। इसके बाद जो तीसरा मेन स्टेप है, समर में अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो आपने ये ठंडा पानी, मैंने अर्के गुलाब की बोतल में फ्रिज में रख दिया था, इससे आपने फेस पे स्प्रे करना है। क्लिंजिंग टोनिंग करने के बाद आपने इसका स्प्रे करना है, जब तक कि आपकी स्किन ठंडी ना हो जाए आपने उस पर मेकअप अप्लाई नहीं करना। और आपकी स्किन को ठंडा होना चाहिए, और आपकी स्किन को जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल गर्म गर्म स्किन पे आपने धूप से आकर मेकअप नहीं करना, या फिर आप जो है आइस क्यूब से आप फेस का मसाज भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी स्किन जो है वो स्किन के पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और आपका ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ठंडे पानी का स्प्रे कर रही हूँ, आप अर्के गुलाब का भी स्प्रे कर सकती हैं। तो आपने 5 मिनट ये जो है स्प्रे करते जाना है, या फिर 5 मिनट के लिए आपने जो है आइस क्यूब फेस पे मसाज कर लेना है। फिर आप जब बेस बनाएंगे तो आपकी बेस फटेगी भी नहीं और आपकी बेस जो है वो स्मूथ जो है अप्लाई होगी। तो मैंने यहाँ पे स्प्रे कर लिया है। ये स्टेप आपने जरूर फॉलो करना है, आइस क्यूब से मसाज या फिर ठंडे पानी का स्प्रे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप होता है वो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर समर में भी हमने जरूर अप्लाई करना होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा जो ऑयल निकल के हमारा फेस बाजू का ड्राई भी हो जाता है, ऑयली स्किन वालों का भी। तो आपने ऑयल फ्री जो है मॉइस्चराइजर लेना है। ये मेरे पास जॉनसन्स का मॉइस्चराइजर है, ये थोड़ा सा मैंने ले लिया, ये भी बेबी प्राइम मॉइस्चराइजर है, तो ऑयल स्किन के लिए सूटेबल है। इसे आपने थोड़ा सा लगा लेना है और हर स्टेप के बाद 1 से 2 मिनट का गैप देना है ताकि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए मॉइस्चराइजर। और इसके बाद जो है हमने हमारी स्किन प्रिपेयर हो जाएगी, नरम हो जाएगी, और इसमें फाउंडेशन फौरन से स्मूथ अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास जो है मॉइस्चराइजर ना हो तो आप इस तरह का सीरम भी ले सकती हैं। ये मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, डॉक्टर राशिल का विटामिन सी सीरम है, ये वाटर बेस्ड सीरम होता है, तो ये भी समर में हम ऑयल को कंट्रोल करने के लिए और स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्राइमर बहुत जरूरी होता है, ये मेरे पास जेल प्राइमर है इट्यूड का, और ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड प्राइमर बहुत बेस्ट होते हैं समर में। और कुछ लोग समझते हैं कि प्राइमर अप्लाई करना जरूरी नहीं होता समर में, लेकिन इसको जरूर आपने अप्लाई करना है, इससे ना सिर्फ आपकी जो है ऑयल कंट्रोल होगा
आपके फेस से, बल्कि जो बेस है वो हमारे पोर्स में नहीं जाएगी। तो पोर्स पर आपने अप्लाई करना है प्राइमर और उसको पूरे फेस पे फैला देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्राइमर ले रही हूँ और इसको मैं अपने पोर्स वाली जगह पे लगाऊंगी, और इस तरीके से अपने फेस पे जहाँ पे पोर्स है लगा के उसी को पूरे फेस पे फैला देना है। बहुत ज्यादा लेयर नहीं लगानी प्राइमर की, लेकिन मॉइस्चराइजर प्राइमर आपने जरूर अप्लाई करना है, और अगर मॉइस्चराइजर ना हो तो कोई सीरम। तो आप देखें मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, अभी मैंने फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया तो। और अब जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसको हमने इस तरह यूज करना है बेस बनाने के लिए कि हमने इसको भी इस तरह ठंडे पानी से वेट कर लेना है। इसको हमने पानी में डिप नहीं करना, बल्कि इस तरह ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर स्प्रे कर लेना है। ये हल्का सा वेट होना चाहिए और इसको अच्छी तरह स्क्यूज कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल ना हो, बस ये हल्का सा गीला हो। इस तरह के डैम ब्यूटी ब्लेंडर से हम जब बेस को ब्लेंड करेंगे तो हमारी बेस एक मिनट में ब्लेंड हो जाएगी और हमारी बेस जो है वो केकी भी नहीं लगेगी। अब मेरी स्किन प्रिपेयर है। अब मैं जो ये मेरे पास फाउंडेशन है स्वीट टच का, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, हाइड्रेट करता है स्किन को समर में, और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये फ्रेश और हाइड्रेट लुक देता है, मैट है और हाई डेफिनेशन हमें रिजल्ट देता है और बहुत स्मूथ कवरेज देता है। तो जो ऑयली स्किन है उसके लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, इसके दो पंप मैं लूंगी और इसके बाद जब मुझे जरूरत होगी तो मैं दोबारा भी अप्लाई करूंगी। पहले आपने थोड़ी सी फाउंडेशन अप्लाई करनी है, बाद में अगर आपको जरूरत हो तो आप और भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो ये टिप दे रही हूँ आपने जरूर अप्लाई करनी है। आपने कोई भी सीरम ले लेना है, डॉक्टर राशिल का ही मेरे पास विटामिन सी सीरम है, इसका एक ड्रॉप अपनी फाउंडेशन में आप मिला लेंगे तो ये होगा कि आपकी जो बेस है फिंगर से पूरे फेस पे अप्लाई हो जाएगी, और मैट फाउंडेशन भी जो है ड्राई स्किन वाले लोग फिर इस तरह यूज कर सकेंगे, और ये आपकी अंडर आई जो है क्रीज नहीं करेगी फाउंडेशन, और आपके फेस पे बहुत ग्लो देगी। तो अगर हम अपने फाउंडेशन में सीरम मिक्स कर लें कोई वाटर बेस्ड सीरम समर में, तो हमारी बेस जो है केक ही नहीं लगती, फौरन फिंगर से ब्लेंड हो जाती है और जो है वो बहुत स्मूथ अप्लाई होती है। तो इस तरीके से ड्राई स्किन वाले लोग भी ऑयली स्किन वाली फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने हल्का सा वेट किया था उससे मैंने इसको ब्लेंड किया, तो आप देखें एक मिनट में मेरी जो फाउंडेशन है बहुत स्मूथ अप्लाई हो गई है, ब्लेंड हो गई है। लेकिन आपने इसको फिर भी दो से तीन मिनट लगाने हैं और आपकी जो लिक्विड फाउंडेशन है ये फिर बिल्कुल आपके फेस पे मैट लुक देगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समर में आप कोशिश करें ब्यूटी ब्लेंडर से बेस को अप्लाई करें, हल्की हल्की बेस लगाएं और बहुत ज्यादा कोटिंग ना करें। तो ये देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, बहुत मेरी अच्छी ग्लोई बेस लग रही है। और अब अगर आपको इसके बाद और जरूरत हो तो आप थोड़ा सा और भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सेमी मैट है फाउंडेशन और जो है हाइड्रेट है, तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी केकी नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और अब मेरी बेस जो है बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है, और जो हमने स्किन केयर फॉलो की थी और इसके अलावा जो हमने मॉइस्चराइजर और प्राइमर अप्लाई किया था और बेस के अंदर जो लिक्विड फाउंडेशन के अंदर जो सीरम मिक्स किया था, उससे मेरी बेस बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और बहुत ड्यूई दिखेगी और अंडर आई भी क्रीज नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपने जो है ड्राई ऑयली दोनों स्किन वालों ने समर में कोई भी इस तरह का विटामिन सी का सीरम आप ले सकती हैं, अपनी बेस में मिक्स करके यूज करना है। इससे आपकी बेस बहुत ग्लोई लगेगी, बहुत ड्यूई लगेगी, बिल्कुल केकी नहीं होगी और फिंगर से ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी। तो इस तरह आपने बेस अप्लाई कर लेनी, लेकिन इसके बाद हमने बेस को लॉक करना होता है। मेरे पास ये मेडोरा का फेस पाउडर है, ये भी समर के लिए बहुत बेस्ट है, ऑयल कंट्रोल है और इसमें नेचुरल मेरा शेड है। आप ये अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई लूज पाउडर, लेकिन आपने इसको इस तरह के ब्रश जो स्पंज होता है इससे कभी भी अप्लाई नहीं करना। आपने इस तरह का जो ब्रश होता है फ्लफी ब्रश, इससे आपने अप्लाई करना है। इससे ये होगा कि अगर ज्यादा भी लग जाएगा पाउडर तो आप उसको बाद में डस्ट ऑफ कर सकेंगे। इस तरह आपने स्किन के अंदर ब्लेंड कर देना है। ये बहुत अच्छा पाउडर है और ये जो है आपने सारी प्रोडक्ट जो होती हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेनी है, सीरम भी, मॉइस्चराइजर भी, प्राइमर भी और फाउंडेशन भी, और इसके अलावा पाउडर भी। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ ऑयली स्किन की फाउंडेशन शेयर किया है, लेकिन मैंने ड्राई स्किन वालों को भी किस तरह आपने यूज करना है ये आपको टिप्स शेयर कर दी हैं कि आप कोई भी सीरम मिक्स कर सकते हैं तो ये जो है आपकी बेस लॉक हो जाएगी अगर आप एंड में पाउडर लगा लेंगी। अब हमारी बेस बहुत फुल कवरेज लग रही है, बहुत नेचुरल दिख रही है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है और समर में आप पार्टी बेस बना रहे हैं तो आपने कोई भी फिक्सिंग स्प्रे, ये मेरे पास एपीके का मैट फिक्सिंग स्प्रे है, ये मैं स्प्रे करूंगी और आपने अच्छे तरीके से उसको शेक करके दूर से आपने फेस पे स्प्रे करना है, दो से तीन स्प्रे। इससे ये होगा कि हमारी बेस से ऑयल नहीं निकलेगा, बेस हमारी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, किसी फंक्शन के लिए हमारी बेस रेडी हो जाएगी। और ब्यूटी ब्लेंडर आपका नीट होना चाहिए जहाँ से आप इसको दोबारा से हल्का हल्का जो है फिक्स स्प्रे को अपनी बेस में ब्लेंड कर दें। तो अब देखें हमारी बेस जो है, हालांकि हमने लेयरिंग भी की है, तो कितनी ज़्यादा नेचुरल लग रही है, फ्लॉलेस लग रही है। इस तरीके से आपने समर में बेस अप्लाई करनी होती है, बेस जो है उसके अंदर सीरम भी मिक्स करना होता है और बेस से लगाने से पहले भी, फाउंडेशन लगाने से पहले
यदि आपने स्किन केयर करनी होती है, मॉइस्चराइजर प्राइमर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना होता है। अब अगर आपको किसी फंक्शन में जाते हैं, आपको स्वेटिंग हो जाती है, तो आपने इस तरह का कोई भी टिश्यू लेके आपने अपनी बेस के ऊपर इस तरीके से डैब डैब कर देना है, तो सारा जो है आपका पसीना इस पे आ जाएगा और ये देखें मेरी बेस बिल्कुल रिप्लेस नहीं हो रही और अंडर आई भी आपकी बेस क्रीज नहीं करेगी और आपकी बहुत नेचुरल फ्लॉलेस बेस बन जाएगी। तो आप जो है समर में फाउंडेशन से भी बेस बना सकते हैं और ये स्वीट टच का फाउंडेशन बहुत अच्छा है और जो है हाइड्रेटिंग है और इसके अलावा SPF 20 है, तो आप ये भी बाय कर सकती हैं अगर आपको एक बहुत अच्छा फाउंडेशन चाहिए और ये 1800 रुपये में आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी सस्ता फाउंडेशन मैं आपके लिए इसका रिव्यू लेके आऊँगी। और इस तरह आपने कोई भी सीरम ज़रूर मिक्स करना है अपनी फाउंडेशन में ताकि वो केकी ना लगे और अंडर आई भी ब्लेंड हो जाए और काफ़ी देर तक स्टे रहे। उम्मीद करती हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।